नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मथुरा थाना गोविंद नगर के राधेश्याम कॉलोनी में स्थित सीताराम मंदिर में हो रहा था गलत काम। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर 2 घंटे में ही कर दिया रिहा। पुलिस पर लगाए गए पैसा लेकर छोड़ने के आरोप। दरअसल ये मामला है थाना गोविंद नगर के राधेश्याम कॉलोनी का, जहां लाइन के पास सीताराम मंदिर स्थित है। उस मंदिर में एक पुजारी रहता है जो कि मंदिर में ही पूजा पाठ करता है, मगर रात को पुजारी के पास 3 लोग आए और मंदिर को अंदर से बंद कर लिया। स्थानीय निवासियों को कुछ हरकत मंदिर में होते हुए नजर आई तो पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया जाता है कि 3 लोग और बाबा के साथ रात को एक लड़की थी, उसको पुलिस ने भगा दिया और मौके से बाबा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को इस हरकत से काफी दिक्कतें पैदा हुई, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया क्योंकि जो 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए थे उन तीनों को पुलिस ने 2 घंटे बाद ही छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर उन लोगों को छोड़ा है, जबकि यह बाबा काफी समय से मंदिर में ही रह रहा है। इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि अब इंसान इतना हैवान हो गया है कि मंदिर को भी नहीं देख रहा और पुजारी ही इस खेल में शामिल है। इसमें 4 आदमी थे, नाम का जो है नारायण वो था राजेंद्र, और 3 लोग और थे इनके साथ में, उनका नाम मालूम नहीं है मेरे को। एक हरिओम बाबा था और इनके साथ में एक लड़की जो है, रात को पुलिस भी आई है, पुलिस ने जो वो पैसे लेकर के छोड़ दिए गए। कौन सी जगह मंदिर है, कहाँ का बाबा है? रेलवे लाइन के किनारे हरिओम दास त्यागी बाबा है, रेलवे लाइन के किनारे मंदिर है। कॉलोनी कौन सी है? सीताराम मंदिर। कॉलोनी कौन सी है? आशा नगर। तो कितने समय से ये बाबा के ऐसे कुकर्म आपके सामने आ रहे हैं? ये तो हमारे पहली बार जो कुकर्म देखा हुआ है, पहली बार हमारे सामने आया है ये बात, पहली बार हमने देखी है। रात को 1 बजे से जो हम लोग देख रहे हैं नजारा है, 1 बजे चल रहा था इनका नजारा, सुबह वो पैसे लेकर वो भी छोड़ दिए गए।